जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज सेकेंड टर्म सिलेबस। इन फर्स्ट टर्म सिलेबस चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हैज़ कंप्लीटेड। नाउ फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड टर्म सिलेबस, दैट इज चैप्टर नंबर 4। सो ओपन योर बुक। सो चैप्टर नंबर 4 इज इंट्रोडक्शन टू MS Word 2010। चैप्टर नंबर 4 का नेम है MS Word 2010 का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि MS Word क्या होता है, MS Word पर किस तरह से वर्क किया जाता है। हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन डिफरेंट फॉर्मेट यूजिंग MS Word सॉफ्टवेयर। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि हम MS Word सॉफ्टवेयर में वर्ड्स और सेंटेंस को किस तरह से टाइप कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, MS Word सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Word 2010 इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। Word 2010 एक वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसमें हम कोई वर्ड टाइप कर सकते हैं। That allows us to create various types of documents such as letters, papers, flyers and faxes. MS Word 2010 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें बहुत सारी चीज़ें करने में मदद करता है। जैसे हम एक लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई पेपर्स बना सकते हैं, एग्ज़ाम पेपर्स, फ्लायर्स एंड फैक्सेस, मीन्स टाइपिंग वाली जो भी चीज़ें होती हैं MS Word 2010 से कर सकते हैं। In this lesson, you will introduce to the ribbon and the new backstage view. इस चैप्टर में आज आप लोग न्यू चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे रिबन क्या होता है और backstage view क्या होता है। ये दो चीज़ नई आपको मिलेंगी। And you will learn how to create new documents and open existing ones. और इस चैप्टर में आप ये भी सीखेंगे कि एक न्यू डॉक्यूमेंट कैसे टाइप किया जाता है, और यदि आपने कोई पहले से डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है तो उसे कैसे ओपन किया जाता है। MS Word इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। MS Word बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है जो वर्ड टाइप करने में हमारी मदद करता है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ हाउ टू स्टार्ट MS Word। MS Word को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से ओपन किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू आपको पता होगा, आपके डेस्कटॉप में सबसे नीचे जो टास्क बार होती है वहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे एक विंडो शेप होता है जिसे हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। सो स्टेप नंबर 2 इज़ क्लिक ऑन वर्ड 2010। वहाँ पर आपको मिलेगा वर्ड 2010। बेसिकली वर्ड 2010 अगर दिख जाता है वहाँ पर तो आप क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं फाइंड होता है तो आप सबसे पहले स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे। देखिए स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, देन आप लोग ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, ऑफिस फोल्डर आप क्लिक करेंगे तो तब आपको दिखाई देगा MS Word 2010। सो कुछ इस तरह से आप MS Word को ओपन कर सकते हैं। सो ब्रेनस्टॉर्म यहाँ पर दिया गया है, बॉक्स के अंदर आप देखिए व्हाट आर द अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द विंडोज़। तो विंडोज़ में और कौन कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं। जिस तरह से हम MS Word में कोई वर्ड सेंटेंस टाइप करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर में विंडोज़ में हमारे और कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसमें वर्ड टाइप कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड पैड हो गया और नोट पैड हो गया। ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे विंडोज़ में ऑलरेडी आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसका आंसर आपको बता दिया कि विंडोज़ में और कौन कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। MS Word तो पढ़ ही रहे हम लोग, साथ में एक वर्ड पैड भी होता है और एक नोट पैड होता है। ये दो ऐसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। सो यहाँ पर आप लोगों का स्क्रीनशॉट ये दिया गया है कि MS Word जब हम ओपन करते हैं तो जो विंडो ओपन होकर आती है उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि किस पार्ट्स को क्या क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वन नंबर लिखा हुआ है, इस वन नंबर का मतलब है ये है फाइल टैब। ये क्या है? फाइल टैब। आपको दिख भी रहा होगा ये फाइल लिखा हुआ है, तो ये एक फाइल टैब है। उसके बाद टू नंबर लिखा हुआ है, टू नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो सेकेंड नंबर पर है इसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। थ्री नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वन और MS Word लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ये जो टाइटल होता है ये बताता है कि हमने कौन सा
प्रोग्राम ओपन किया हुआ है और इस डॉक्यूमेंट का क्या नेम है, तो इस डॉक्यूमेंट का नेम है डॉक्यूमेंट वन और सॉफ्टवेयर का नाम है एमएस वर्ड। फोर नंबर पर जो लिखा हुआ है ये पूरा आपका जो ग्रुप है इसे कहा जाता है रिबन। यहाँ से स्टार्टिंग से पूरा एंड तक ये जो पूरा बार आपको दिखाई दे रहा है इसे हम रिबन कहते हैं। इसी रिबन में ही सारे ऑप्शन आपके डी हो रहते हैं। स्टार्टिंग से जहाँ से पेस्ट लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के लास्ट जहाँ तक सिलेक्ट लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा आपका रिबन कहलाता है। फिफ्थ नंबर में ये जो दिया गया है लेफ्ट साइड में इसे हम रूलर कहते हैं। ये रूलर हमारी मदद करता है कि हम टेक्स्ट कैसे कहाँ पर से स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा पेज स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये इसलिए काम आता है रूलर। यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमारा पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो सिक्स्थ नंबर जो लिखा हुआ है इसे कहा जाता है स्टेटस बार। यहाँ पर हमारा स्टेटस शो होता है कि हमने कितने वर्ड्स टाइप कर दें, हम कौन से पेज नंबर पर हैं, ये सारी चीज़ें हमारी स्टेटस बार पे शो होती हैं। नेक्स्ट इज सेवेंथ। सेवेंथ नंबर पर जो लिखा हुआ है इसका नाम होता है कर्सर। ये कर्सर हमें ये बताता है कि हम जो वर्ड टाइप करने जा रहे हैं वो हमारा वर्ड किस पोजीशन से स्टार्ट होगा। तो ये जो कर्सर होता है ये जिस पोजीशन पर होता है हमारा वर्ड वहीं पर से टाइप होना शुरू हो जाता है। सो एट नंबर ये जो दिया गया ये पूरा वर्किंग एरिया जो आपका खाली स्पेस है इसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं और ये पूरा डॉक्यूमेंट एरिया में ही हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं। तो जो वाइट कलर की पूरी आपकी स्क्रीन दिख रही है इसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। चलिए आइए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43। सो फर्स्ट पॉइंट इज फाइल टैब। फाइल टैब क्या होता है? द फाइल रिलेटेड फंक्शन लाइक न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट एक्सेट्रा आर प्रेजेंट अंडर दिस टैब। इस टैब में आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आपको न्यू डॉक्यूमेंट एंड करना है तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे, ओपन है, सेव है, प्रिंट है, ये सारे ऑप्शंस फाइल टैब में होते हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं, जिस तरह से सेव एज भी होता है। सो सेकंड इज क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार लोकेटेड अबव द रिबन। रिबन के ऊपर ही आपको एक टूल बार होता है जिसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार लेट्स यू एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब यू आर ऑन। ये कुछ आपको कमांड्स प्रोवाइड करता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप किस टैब में हैं, लेकिन उस टैब से हट करके आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल करवाता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें हम फटाक से कोई भी काम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट शोज़ द सेव, अंडू, रिपीट कमांड्स। यू कैन ऐड अदर कमांड्स टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर यू। इस कमांड में ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिस तरह से सेव, अंडू और रिपीट। अंडू का मतलब जैसे आपने कोई वर्ड डिलीट कर दिया तो आप वापस से उसे लाना चाहते हैं तो आप उसे अंडू कर सकते हैं, मतलब जो किया हुआ है उसे वापस दोबारा ला सकते हैं। रिपीट कमांड भी कर सकते हैं, रिपीट मतलब ये होगा जो आपने कर दिया उसे आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, तो रिपीट कमांड का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। सो थर्ड इज टाइटल बार। द रिबन कंटेन्स ऑल द कमांड्स यू विल नीड इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। यहाँ पर रिबन में आपके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं। कॉमन टास्क कहा जाता है, कॉमन टास्क मतलब जो भी आप वर्क करते हैं उसे टास्क कहा जाता है। डॉक्यूमेंट के साथ जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी आप उसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें ऑप्शन आपको रिबन में मिल जाती हैं। इट कंटेन्स मल्टीपल टैब्स ईच विद सेवरल ग्रुप्स ऑफ कमांड एंड यू कैन ऐड योर ओन टैब दैट कंटेन योर फेवरेट कमांड। तो इट कंटेन्स मल्टीपल टैब, यहाँ पर बहुत सारे टैब्स होते हैं। टैब का मतलब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं जिसे हम कहते हैं, सबसे पहला है होम टैब, उसके बाद है इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरह करके हमारे पास टोटल 7 टैब्स होते हैं। यहाँ पर हम और भी टैब इंसर्ट करा सकते हैं ताकि हम अपना काम जो है और आसान कर सकें। सम ग्रुप हैव एन एरो इन द बटन राइट कॉर्नर दैट यू कैन क्लिक टू सी इवन मोर कमांड्स। उसके बाद राइट साइड में एक यहाँ पर हर ग्रुप के साइड में राइट साइड कॉर्नर पे एक एरो दिया होता है, जिस एरो पर हम क्लिक करके उस ग्रुप के और सारे ऑप्शंस को हम लोग चेक कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर इज़ रूलर। द रूलर इज़ लोकेटेड एट द टॉप टू द लेफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ये जो रूलर होता है आपके डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड होता है, ऊपर साइड टॉप साइड में होता है। इट मेक इट ईजियर टू एडजस्ट योर डॉक्यूमेंट विद प्रिसीशन।
ये आपका रूलर मदद करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस पोजीशन से स्टार्ट होने वाला है, पेज सेटअप कैसे करना है, वो सारी चीज़ें रूलर में आप सेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, यू कैन हाइड द रूलर टू फ्री अप मोर स्क्रीन स्पेस। अगर आप चाहते हैं कि रूलर आपका हाइड हो जाए, शो होना बंद हो जाए, यहाँ से हट जाए, तो आप उसे भी हटा सकते हैं ताकि आपका जो स्क्रीन है वाइट कलर का वो पूरे फुल स्क्रीन में आपको शो होना शुरू हो जाए। सिक्स नंबर इज स्टेटस बार, इट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो। ये जो स्टेटस बार होता है आपके विंडो में सबसे बॉटम साइड सबसे नीचे होता है, जो ये बताता है कि हम किस पेज नंबर पर हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने हमने टोटल ऐड किए हुए हैं, कितनी लाइंस हमने लिख दी और कितने वर्ड्स हमने टाइप किए। नेक्स्ट इज कर्सर, इट इज़ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन विच शोज़ द करंट टाइपिंग पोजिशन इन द डॉक्यूमेंट। सेवन्थ नंबर है कर्सर। कर्सर एक ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन होती है, ब्लिंकिंग मतलब बार बार आती और जाती रहती है, ब्लिंक होती रहती है। तो ये हमें ये कर्सर हमें ये बताता है कि हम करंट टाइपिंग, हमने जो अभी टाइपिंग हम कर रहे हैं वो हमारी पोजीशन क्या होगी, वो कर्सर हमारा बताता है। एट्थ नंबर इज़ लास्ट, डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो हम टेक्स्ट और सेंटेंस टाइप करने में हमारी मदद करता है, हम उसी स्पेस पर ही वहीं पर ही हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं, कोई फ़ोटो लगा सकते हैं, और यहाँ तक कि हम अपने टेबल को भी इंसर्ट करा सकते हैं। टेबल मींस अगर हम कोई डेटा है हमारे पास जो हम टेबल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, टेबल मतलब एक बॉक्स टाइप में लिखना चाहते हैं, जिस तरह से आपका टाइम टेबल आता है, सिलेबस आता है टाइप होकर के आपके पास, वो सारी चीज़ भी हम MS Word में कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के यूजेस क्या क्या हैं, हम इससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं।